असलम दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे खैरफियत से होंगे तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है बनीज़ लिमिटेड यानी कि बी एन एल तो बी एन एल पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट टू मंथ प्लस होने वाले हैं बहर इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो को आप समझें तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है बी एन एल का आप लोगों के सामने सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को यहाँ पर देता चलूँ ये लॉन्च हुआ था 2020 सितंबर के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर इसने हमें एक हाई दिखाया तकरीबन 80 रुपीस का और ये हाई था 2020 सितंबर के ही अंदर और इस हाई को क्रिएट करने के बाद से लेकर अगर आप लोग इसके इस लेवल तक फोकस करें तो ये काफ़ी स्ट्रांग ओवरऑल एक डाउन में चलता हुआ आ रहा है और आप लोगों ने जो इसका करंट सिचुएशन में ट्रेंड कंसीडर करना है वो भी इसका डाउन ट्रेंड ही कंसीडर करना है हाँ ये और बात है कि शॉर्ट टर्म की इसकी जो ये मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है इसमें आपको अपसाइड की एक्टिविटी या ट्रेडिंग uh, अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सकती हैं बट ओवरऑल एट द बैक ऑफ योर माइंड आपने जो एक ट्रेंड कंसिडर करना है बी में से वो आपने इसका डाउन ट्रेंड ही कंसिडर करना है तो बहरहल इसने यहाँ पर एक लो लगाया है राउंड अबाउट ट्वेल्व रुपीज़ का तो ये इसका यूँ समझिए कि आल टाइम लो इसने क्रिएट किया है रिसेंटली ही यानी 2024 8 अप्रैल में इसने ये अपना लो क्रिएट किया है तो इस एंगल से देखें तो ये जो है न्यू लोज़ जो है वो क्रिएट करता हुआ जा रहा है बट हो सकता है कि ये इसका लास्ट लो हो यानी आल टाइम लो ये अपना यहीं रखे और यहीं से अपसाइड की मूव दिखाए तो ये चीज़ भी बहरल पॉसिबल हो सकती है अच्छा जी तो अब इसकी करंट सिचुएशन को मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ यहाँ पर तो ये बेसिकली इस वक्त इसकी करंट सिचुएशन है और इसमें जो कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चाहूँ जो इसमें सबसे मेजर इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये साढ़े छब्बीस रुपीस का लेवल बन रहा है साढ़े छब्बीस से पहले जो इसमें काफ़ी स्ट्रांग और एक शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये साढ़े उन्नीस रुपीस का लेवल है और जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये थर्टीन रुपीज़ का लेवल है उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो इसने यहाँ पर एक पैटर्न जो है वो क्रिएट किया हुआ था इस पैटर्न को हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था आई थिंक सो तो बहरहाल इस पैटर्न को जो है इसने यहाँ पर अपसाइड की जानेब ब्रेक किया हुआ है जो कि एक पॉजिटिव साइन है इन फ्यूचर बायर्स की एक्टिविटी के ठीक हो गया तो अब यहां पर लॉन्ग स्टोरी शार्ट बी एन एल में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या बी एन एल ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया तो एज़ यूजल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीन लिया हुआ है ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तो आप लोग देख सकते हैं कि उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन तक थर्टीन रुपीज़ के आसपास और मैंने इसमें से जस्ट दो ही सीनेरियोज़ आप लोगों के साथ शेयर किए थे पहला जो मेरा सीनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि ये साढ़े तेरह रुपीज़ के लेवल से अपसाइड के हमें मूव दिखा सकता है टूअर्ड्स दिस ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन से हो सकता है कि ये अगेन रिजेक्ट होकर डाउन साइड की जाने भी आ सकता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अप साइड की जाने भी जा सकता है और जो मेरा इसमें से सेकेंड सन था वो ये था कि अगर ये साढ़े तेरह को ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको ग्यारह रुपीस के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे तो आइए देखते हैं कि बी एन एल ने जो है वो कैसे सिचुएशन बनाई जी तो ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तो आप लोग देख सकते हैं कि आ, ये जो है पहले थोड़ा सा डाउन साइड की जाने आया इसने आलमोस्ट बारह इशारिया तीस का यहाँ पर लो लगाया लो लगाने के बाद इसने हमारे जो है वो पहले सिनेरियो को यहाँ पर फॉलो किया हुआ है मींस कि ये अपनी साढ़े बारह से लेकर तेरह वाली सिचुएशन से अप साइड की जानब गया हुआ है टुवर्ड्स दिस ट्रेंड लाइन और मज़े के बाद इसने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया हुआ है तो मीन्स आप यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि बी एन एल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को आलमोस्ट फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट यहाँ पर फॉलो किया हुआ है अच्छा जी अब इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो बी एन एल की जो करंट सिचुएशन बनी हुई है इसको मद्देनज़र रखते हुए ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है साढ़े सोलह रुपीज़ के आसपास और ये इसका वीकली टाइम फ्रेम है तो आप लोग यूँ समझें कि ये इसका एक शॉर्ट टर्म का मैं आप लोगों के साथ जो है वो प्लान शेयर कर रहा हूँ तो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इस साढ़े उन्नीस रुपीस के लेवल तक इजीली जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ साढ़े उन्नीस रुपीस के लेवल से अगर आपको रिजेक्शन मिलती है जिसके चांसेस पॉसिबल हैं तो यहाँ से अगेन आप इसको डाउन साइड की जाने बात एक्सपेक्ट करेंगे अदरवाइज़ अगर ये साढ़े उन्नीस को ब्रेक कर देता है तो फिर आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब ये शॉर्ट टर्म के लिए इसमें जो है आपको बायर्स की मूवमेंट देखने को मिल सकती है साढ़े उन्नीस को ब्रेक करने के बाद हमारा जो इस में से नेक्स्ट टारगेट होगा वो साढ़े छब्बीस तक का होगा ठीक हो गया तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूं अच्छा अब यहां पर एक जो इसका सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो तब पॉसिबल होगा जब हमारा ये फर्स्ट सिनेरियो हाफ जो है वो फॉलो हो जाएगा वो कैसे वो ऐसे कि अगर ये मतलब उन्नीस के लेवल तक पहले जाता है हमारे टीपी को हिट करता है और यहाँ से ये डीप पुल बैक लेता है या यूँ समझे कि साढ़े उन्नीस को ब्रेक नहीं करता तो फिर हमारा जो इसमें से नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये अपर ट्रेंड लाइन होगी इस चैनल की और इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन से चांसेस ज़्यादा होंगे अगेन अपसाइड की मूव के या फिर ये डीप पुल बैक ले सीधा अगेन अपने लो तक आएगा थर्टीन रुपीज़ के लेवल तक वाले ठीक हो गया यहाँ पर ये जो है वो आपको साइड की एक्टिविटी दिखाएगा इन फ्यूचर अगर ये आता है तो यहाँ से फिर आपका जो पहला टारगेट होगा वो साढ़े उन्नीस रुपीस का लेवल होगा तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखें बीएनएल में से जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर दो सिचुएशंस बन रही हैं एक तो इसने यहाँ पर ये यह एक अपना चैनल क्रिएट किया हुआ है जिसको काफ़ी टाइम से ये फॉलो कर रहा है सेकेंड इसने यहाँ पर अपना एक पैटर्न uh, भी क्रिएट किया हुआ है इस पैटर्न को तो बहरहाल इसने अपसाइड की जाने ब्रेक कर दिया है बट इस चैनल को इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया तो अगर ये पैटर्न ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये चैनल को फॉलो करेगा और अगर ये चैनल ब्रेक करता है तो फिर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपको इन फ्यूचर साइड की मजीद मूवमेंट देखने को मिले अच्छा जी तो मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोस के ट्रेड प्लान्स यहाँ पर आप लोगों को गाइड कर देता हूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करते हैं करंट सिचुएशन पर आप इसको बाय करेंगे कम से कम टू रुपीज डाउन लॉस के साथ आपका पहला टी पी साढ़े उन्नीस का होगा और सेकेंड साढ़े छब्बीस का होगा ठीक इसी तरह अगर ये हमारे सेकेंड सिनेरियो को फॉलो करता है तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया है कि हाफ सिनेरियो हमारा फर्स्ट जो है वो फॉलो होगा उसके बाद हमारा सेकंड फॉलो होगा जैसे ही ये साढ़े उन्नीस के लेवल से डाउन आए आपकी जो पहली बाइंग होनी चाहिए अपर पर लाइन पर होनी चाहिए सेकंड बाइंग आपकी थर्टीन रुपीज़ के लेवल पर होनी चाहिए आपका यहाँ पर एवरेज हो जाएगा स्टाप लास आपका टू रुपीज़ डाउन होगा बिलो थर्टीन और जो पहला टी पी होगा वो आपका साढ़े उन्नीस का होगा यूं समझेंगे फिर ये इस रेंज को फॉलो करने लग जाएगा ठीक हो गया तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस बी एन एल शेयर के रिलेटेड तो देखते हैं कि नीयर फ्यूचर बी एन एल हमारे इन दो सीनेरियोज़ में से किस सीनेरियो को फॉलो करता है फिर इनशाला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखें खुश रहें